सुनीति और सुरुचि दो रानियां थी। राजा उत्तानपाद अपनी बेटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, जबकि उन्हीं बड़ी रानी सुनीति उसे बहुत कम प्रिय करती, क्योंकि पहले जो बड़ी वाली रानी थी उनके कोई पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई, तो उन्होंने दूसरी शादी की थी जिससे सुरुचि की, तो उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राजकुमार उत्तम, और कुछ दिन बाद इनके भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ध्रुव। सुरुचि के जिसका उत्तानपाद राजा ध्रुव को न प्यार कर उत्तम को ही अधिक प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद नामक पुत्र को गोद में लिए अपने सिंहासन पर बैठे थे। इधर ध्रुव जी देखे कि पिताजी अपने पिताजी का चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सबका प्रेम अपने पिता का बराबर तुल्य में होता है। वो बोला मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूंगा। गोद में बैठने गए तो उनकी जो दूसरी माता जी थी सुरुचि, उन्होंने देखा उस बच्चे का हाथ पकड़ के सिंहासन से उतार दिया। बोले नहीं, तुम इस पे नहीं बैठ सकते हो। बोले अगर तुम्हें इस पर बैठना है तो भगवान के जाकर के तपस्या करो और भगवान से वर मांगो कि मैं आपके गर्भ से पैदा हूँ, तब जाकर तुम्हें सिंहासन मिलेगा। वो बेचारा रोते रोते अपने माता के पास में आया। माता जी बोले क्या हुआ? बोले मैं पिताजी के गोद में बैठने जा रहा था, माता ने मेरा हाथ पकड़ के उतार दिया, और उन्होंने ऐसे कटु वचन बोले कि अगर तुम्हें इस आसन पर बैठना है तो जाकर के भगवान का तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो तो उनसे वर मांगो कि अगर इस गद्दी पर बैठना है तो मैं आपके गर्भ में आऊं और आपके गर्भ से मैं जन्म लूं, तब जाकर के सिंहासन मिलेगा। उनकी माता अगर कोई दूसरी माता होती तो थोड़ा बाद बोले कुछ नहीं, अगर व्रत करके या तपस्या करके अगर यही वर मांगना है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो फिर इससे तो ब्याह कर क्या मिलेगा कि फिर जननी के जठर में आओ, तो इससे नहीं। अगर तपस्या ही करनी है भगवान को तो स्वयं भगवान से मांगो और भगवान को मांगो। अगर किसी भी तरह के भगवान कहते हैं भगवान से क्या मांगो, भगवान के पास जाकर ये नहीं मांगना चाहिए कि भगवान मुझे पुत्र दे दो या क्या, भगवान को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। वो तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सर्वस्वरूपम सर्वमयी। भगवान को जब सब कुछ पता है कि आपको क्या चाहिए, फिर भी भगवान के सामने जाकर के मांगो, उनको तो सब पता है कि इस भक्त को कहना चाहिए। इसलिए भगवान से जाकर के भगवान को मांगो, भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को मांगो। तो यहाँ पे राजा उत्ता ध्रुव जी जाकर के 5 वर्ष की आयु ध्रुव जी किसी वंचित रहे, तुम भगवान से आराधना करो, जिससे कि विदुर इस प्रकार विष भरे शब्द सुनकर ध्रुव का कोमल हृदय तड़प गया, उनके होठ कांपने लगे और सिसकते हुए अपनी माता सुनीति के पास जगले। सुनीति ने पुत्र को गोदी में उठा लिया और कहा बेटे तेरे लिए दूसरा कुछ भी कहे किंतु तुझको किसी की प्रति अमंगल की भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर भले बुरे सबका उचित फल देने वाला है। तू आज ही सर्व संकट हर श्री हरि के चरणों में अपने को निश्चित छोड़ दे। हे विदुर, तब माता सुनीति के स्पर्शमयी वचन सुनकर ध्रुव की बाल बुद्धि को यथार्थ समझते देरने लगी और वे तप करने के लिए वन को चले गए। बालक ध्रुव के निश्चय से प्रभावित होकर नारद मुनि उनके समीप आए और मन ही मन उसकी सराहना करने लगे। नारद मुनि के बड़े मन में शंका हुई कि ये 5 वर्ष का बालक कहीं ऐसा तो नहीं 2 मिनट के लिए घर से ऋषि आके आया है और अभी थोड़ी देर बाद फिर घर चला जाएगा। अगर इसके दृढ़ ही संकल्पता है तो मैं इसके जाकर के इसकी परीक्षा लूंगा, क्योंकि गुरु हमेशा ये चाहता है कि यह शिष्य बनने लायक है या नहीं। तो उन्होंने नारद जी आकर के इसके शिक्षक पर विदाता करने लग गए, विदाता करने के लिए इनका परीक्षण लेने लग गए। आकर के संकल्प दृढ़, मैत्री जी कहते हैं कि ध्रुव के इस संकल्प को सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और बोले कालिंदी के तट पर मधुबन में जाकर तू जप तप नियम और प्राणायाम से मन को एकाग्र कर भगवान का स्मरण कर। हे ध्रुव, मैं तुमको उस मंत्र से अवगत कराता हूँ जिसके जप करने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वह महामंत्र क्या बोले? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका पूजन में प्रयोग आवश्यक है। इस प्रकार ध्रुव ने मधुबन का मार्ग लिया। वहां पहुंचकर वे भगवान भजन में दिन व्यतीत करने लग गए। उन्होंने पहले कुछ वासवन में उपलब्ध कंद मूल फल खाकर बिताए और तदुपरांत शनै शनै आहार की मात्रा कम करके केवल जल पी करके रहने लगे। कुछ समय पीछे ध्रुव ने जल का भी त्याग कर दिया। बोले क्या मंत्र जप रहे थे? नमो भगवते वासुदेवाय, केवल एक ही मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ दिन तक तो महाराज जी ने बहुत केवल जल पिया, कंद मूल फल जंगल से खाते रहे। जब कुछ दिन और बीता तो उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया, केवल जल पी करके रहने लग गए। जल पी करके वही मंत्र जप रहे, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ दिन बाद जल का भी परित्याग कर दिया, काम करके केवल जल पी करके उसका भी परित्याग कर दिया, तो वायु सेवन करने लगे। केवल वायु का सेवन करते करते रत हुए। इस प्रकार सत्यनिष्ठ ध्रुव ने धीरे धीरे अपने सभी इंद्रियों इच्छाओं को वश में करके पैर से खड़े रहकर अपनी वृत्तियों को ब्रह्मचरित में लीन कर दिया।
श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाकर उन्होंने उस सूत्र को तोड़ दिया जो व्यक्ति को समष्ट में बधे हुए हैं। सृष्टि के नियम को भंग होते देखकर देवगण भयभीत हो गए, भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु जी ने कहा, मैं बालक ध्रुव के दर्शन देकर उसको तप से मुक्त करूंगा। मैत्री जी कहते हैं, विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव को दर्शन देने के लिए मधुबन चले। ध्रुव के हृदय में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो सामने लीलों के नाथ खड़े हैं। ध्रुव उनके चरणों में लेट गए, भगवान के चरण को चूमते हुए हृदय में लपटने लगे। बाल्यावस्था में विवश उनमें बाढ़ी शक्ति तो ऐसी नहीं थी कि वो भगवान की प्रार्थना करते, किंतु उनकी प्रबल भक्ति को समझकर भगवान अपना वेद स्वरूप शंख उनके कपोलों से लगा दिया, जिससे उनमें भगवान की स्तुति करने का बल आ गया और स्थिरता पूर्वक भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लग गए। हे भगवान, आप एक होते हुए भी अनेक होकर कण कण में स्फूर्ति और चेतना का संचार करते हैं। सत असत ज्ञान और अज्ञान सभी के मूल प्रेरक आप ही हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विभिन्न सूत्रों को जोड़कर चराचर की रचना की है। आपके अंश से उत्पन्न सृष्टि के जीव और सब जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य, बोले कि मनुष्य ही ऐसा जन्म है जो अपने जन्म मरण को बंधन से छुटकारा पा सकता है। बाकी और कोई जन्म का ऐसा वर्णन नहीं किया, केवल मनुष्य जन्म। लिप्ता से पढ़कर अपनी मूल शक्ति को भूलने लगते हैं, तभी उनका पतन शुरू हो जाता है। इस कारण मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें जिससे आपके चरणों में मेरा एक सा अनुराग सर्वता बना रहे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि 1000 वर्ष तक तुम जितेंद्रिय होकर पृथ्वी की रक्षा करोगे। तुम्हें शीघ्र ही सप्तर्षि मंडल के ऊपर प्रतिष्ठित कर दूंगा, जहां जाकर प्राणी फिर नहीं लौटता है। तब से आज तक भी ध्रुव तारा के नाम से ध्रुव जी तमकते हैं। बोले ध्रुव भगवान की। मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार बालक ध्रुव का प्रसन्न कर गरुणध्वज भगवान अपने स्थान को चले गए। तब ध्रुव को आत्मग्लानि होने लगी कि मैं श्री हरि से आत्मकल्याण की याचना न कर सका। बोले कि मैं इतना प्रविष्ट हो गया था केवल गद्दी के चक्कर में कि मैं भगवान से उनके चरणों की अनुशक्ति नहीं मान सका। मैं केवल इतना बड़ा आसन ले लिया कि आत्मकल्याण की याचना न कर सका और नश्वर वस्तुओं को ही पाकर प्रसन्न हो गया। निश्चय है कि देवताओं ने मेरी तपस्या से ईर्ष्या की और मेरी बुद्धि को दूषित कर दिया। सत्य है, दरिद्र मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट को भी पाकर पूजा की मांगता है। राजा उत्तानपाद को जब यह समाचार मिला तो पहले तो उन्होंने विश्वास ही नहीं हुआ कि जैसे कोई मरकर लौटने वाले का विश्वास नहीं करता है, किंतु नारद का वचन उन्हें स्मरण हो आया जो वे पहले राजा से आकर कह गए थे। अतः उन्होंने पूरे राजकीय व्यवस्थानुसार बड़ी धूमधाम से ध्रुव का स्वागत किया। रानी सुनीति और सुरुचि भी एक पालकी में बैठी और पुत्र उत्तानपाद को गोद में बैठा कर नगर के पास लाई। राजा उत्तानपाद पुत्र ध्रुव को हृदय से लगाकर दीर्घ निश्वास लेने लगे, बार बार उनका मस्तक चूमने लगे। बालक ध्रुव ने माता पिता को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। माता सुरुचि उन्हें हृदय से लगाकर बहुत प्यार करने लगी। माता सुनीति की तो सारी व्यथा ही दूर हो गई। लोग कहने लगे कि रानी तेरा बड़ा भाग्य है, तेरा पुत्र इष्ट के समान है या पृथ्वी मंडल की रक्षा करेगा। जनता द्वारा ललित हो रहे ध्रुव को राजा ने उत्तम के साथ प्रसन्न होकर हथनी पर बैठाया और आनंदित हो नगर में प्रवेश किया। मार्ग में जाते हुए ध्रुव को देख नगर की सभी स्त्रियां वात्सल्य वस्ता आशीर्वाद देती हुई उन पर श्वेत समर्प दही जल दूब अक्षत पुष्प बरसाने लगी। फिर तो उनकी युवावस्था आते आते राजा ने प्रजा की संपत्ति से ध्रुव को ही पृथ्वी का स्वामी बनाया। बोले ध्रुव भगवान की। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, राज्यारोहण के पश्चात शिशुमार नामक प्रजापति की कन्या भ्रमि के साथ ध्रुव जी का ब्याह हुआ, जिससे कल्प तथा वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। साथ ही ध्रुव जी की एक और स्त्री थी जो वासुदेव की कन्या थी, जिसका नाम इला और जिसके उनके उल्का नाम का पुत्र हुआ। एक समय जब ध्रुव जी का भाई उत्तम वन में आखेट के लिए गया तो चलते चलते वह यक्षों की नगरी अलकापुरी के निकट जा पहुंचा और वहां उसका यक्षों से युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में यक्षों ने उत्तम को मार डाला। तब भाई की मृत्यु से दुखी एवं ध्रुव को अल्पाहारी का गुह को यक्षों से युद्ध करने आए और युद्ध के निमित्त बड़े जोर से अपना शंख बजाया। उसे सुनकर अलकापुरी के बलवान योद्धा यक्ष अपने घर से निकल ध्रुव जी से युद्ध करने आए। अपने विविध अस्त्रों का प्रहार करते हुए ध्रुव जी को छत विक्षत कर ऐसा मर्माहत कर दिया कि जिससे कि वे सर्वथा ही मृतक के समान हो गए। यक्षों की घोर बाण वर्षा से ध्रुव जी का रथ लुप्त हो गया। गगनवासी देवताओं में हाहाकार मच गया और लोग कहने लगे कि हा हंत मनुवंश के सूर्य रूप ध्रुव जी मार डाले गए। परंतु जैसे कुहरे के फट जाने पर सूर्य ज्यों के त्यों पर निकल आते हैं,
ऐसे ही अपने धनुष के टंकोर करते हुए शत्रुनाश की ध्रुव जी का रथ निकलाया। उस समय कटे मरे अगणित वीरों से युद्ध भूमि पट गई। कोई भी यक्ष वीर ध्रुव जी का सामना करने के समर्थ नहीं हुआ। बचाए हुए युद्धताक का भाग्य ध्रुव जी ने सोचा कि चलकर अलकापुरी का निरीक्षण करें, परंतु उसी क्षण उन्होंने यक्षों का दुर्दांत माया का स्मरण हो आया और वे अपना वध का विचार त्याग अपने नगर की ओर चले गए। कुछ ही दूर वे आते थे कि यक्ष की अपार माया ने पुनः उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। यक्षों की घोर गर्जना से मानो वज्रपात सा होने लगा। मुनियों ने ध्रुव जी के लिए चिंता हो गई कि लोग उनके लिए भगवान प्रार्थना करने लग गए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब यक्षों ने ऐसी ममता फैलाई तो ध्रुव जी ने अपना अत्यंत प्रभावशाली नारायण अस्त्र उठा लिया। इसका उठाना था कि यक्षों की सारी माया तत्काल ही नष्ट हो गई। इसकी भयंकर मार से बचे बेचारे यक्ष भी पुनः मार डाले गए और वे समूल ही नष्ट हो गए। तब यक्षों के कुल का अपने वंशज ध्रुव द्वारा इस प्रकार का भीषण संहार हुआ। देख पितामह स्वयंभू मनु ऋषियों के साथ ले उस पर्वत पर उनके पास आए और बोले, हे वत्स, यह तुमने क्या किया है? हे मातृप्रेत, तुमने अपने एक भाई के लिए कितने ही यक्षों का मार डाला। तुम्हारे जैसे विष्णु भक्त के लिए कर्तव्य उचित नहीं है। तुम शरीर को आत्म क्यों मानते हो? और पौत्र, तुमने यक्षों को मारकर शिव जी के सखा कुबेर का बड़ा अपमान किया है। अतः तुम कुबेर जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर अपने नम्र वचनों से शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न करो, अन्यथा ऐसे महात्माओं के तेज से हमारे वंश का बड़ा तिरस्कार होगा। इस प्रकार अपने पौत्र ध्रुव को सिखलाकर स्वयंभू मुनि ऋषियों सहित पुनः अपने धाम को लौट गए। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, राजा ध्रुव के पास कुबेर जी स्वयं ही वहां आ गए। उन्हें देखकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया और कुबेर जी से आशीर्वाद देकर कहा, हे ध्रुव, तुम निष्पाप हो, मैं तुम्हारी इस वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। और इससे जो मुझे और भी प्रसन्नता हुई है कि तुमने अपने पितामह की बात मानकर हमारे अनुगामी यक्षों को मारना एवं उनसे बैर करना त्याग दिया। हे ध्रुव महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि भगवान विष्णु के चरणों में मेरी अविचल भक्ति होवे। कुबेर जी ने कहा, एव मस्तु, ऐसा ही होगा। परम धार्मिक ध्रुव ने भगवान विष्णु की कृपा से 1000 वर्ष तक सुर पृथ्वी का राज्य किया। पश्चात अपने पुत्र उत्कल को राज दे बद्री का आश्रम की यात्रा की। वहां जाकर उन्होंने गंगा में स्नान किया और संसार की माया को भूलकर भगवान के चरण में अपने को लीन कर लिया। एक दिन ध्रुव ने देखा कि आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान पृथ्वी पर उतर रहा है, जिससे 4 भुजाएं वाले सुंदर श्याम वर्ण के 2 किशोर खड़े हैं। भगवान के पार्षदों को देखकर ध्रुव सहसा अपने स्थान पर खड़े हो गए और बड़ी नम्रता से स्तुति करने लगे। वे पार्षद नंद और सुनंद थे। ध्रुव की स्तुति सुनकर उन्होंने कहा, हे राजन, हम जगत के नियंता भगवान विष्णु के 2 गण हैं। भगवान ने आपको जो पद दिया है वो बड़े बड़े मुनियों को भी दुर्लभ है। भगवान ने आपके लिए विमान भेजा है, आप इस पर चढ़कर स्वर्ग को चल गए। महात्मा ध्रुव जैसे ही विमान पर बैठे कि समस्त देवलोक में मंगल गान होने लग गए। जब स्वर्ग को जा रहे थे तो उन्हें अपनी माता का स्मरण आया। तब भगवान के पार्षदों ने बताया कि आगे देखिए, दूसरे विमान में बैठे आगे आपकी माता भी जा रही। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, राजा, ध्रुव के पुत्र और पौत्रों के उत्तम यश को मुझे सुनने की कृपा कीजिए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जैसे ध्रुव परम धार्मिक और ईश्वर भक्त थे, वैसे उनके पुत्र उल्कक भी बड़े ही धर्मनिष्ठ हुए। इतने शांत रहते थे कि संसारिक जन उन्हें अंधा बहरा तथा गूंगा समझते थे। इस कारण वृद्ध मंत्रियों ने उनके छोटे भाई वत्सल को राज बनाया। फिर स्वार्तिक नामक कन्या से उनका विवाह हुआ, जिससे उनके पुरुषार तिमकेतु इव उर्जवर वसु जय के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर उष्मास का विवाह हुआ, जिसके प्रभा और दोषा नामक 2 रानियां हुई, जिसमें प्रभा से प्रातःकाल, मध्यान्ह और सायंकाल ये 3 पुत्र हुए। दोषा से प्रदोष, निशीथ और सुष्ट थे भी 3 हुए। इनमें से प्रथम व्युष्ट का विवाह पुष्करणी नामक कन्या से हुआ, जिससे सर्पतेज नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया। सर्पतेज ने आकुति नामक अपनी स्त्री से चक्षु नामक मनु को उत्पन्न किया। मनु का विवाह नौडल से हुआ, जिससे पुरु, कुत्स, जित्र और दुम्न सत्वान ऋतु व्रत अग्निष्टोम अत्रिरात्रि प्रदुम्न शिव उल्कुक ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर इसी उल्मुख से उसके पुष्करणी नामक स्त्री से अंग, सुमनस, ख्याति, ऋतु, अंगिरस, गय ये 6 पुत्र हुए, जिनसे प्रथम अंग की सुनीति नामक स्त्री से एक बड़ा ही उग्र स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बेन था। इसने राजा अंग का बड़ा ही दुख दिया और जिससे दुखी होकर उन्होंने वैराग्य ले लिया। राजा को अभाव में प्रजा व्याकुल हो गई, जगह जगह उपद्रव होने लगे। यह देख नारायण भगवान ने अपने अंश से
पृथ्वी आदि को राजाओं को उत्पन्न किया। विदुर जी ने पूछा, हे भगवान, सदाचारी ब्राह्मण भक्त सज्जन महात्मा, राजा अंग के अदृष्ट प्रजाएं क्यों हुई? यदि पापी भी राजा हो तो प्रजाओं को उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा अपने तेज से लोकपालों का तेज धारण करता है। हे ब्रह्मन, आप सुनीत के पुत्र बेन के इस चरित्र को मुझ श्रद्धालु से कहिए। मैत्रेय जी ने कहा, महर्षि अंग ने एक महान यज्ञ किया था जिससे आमंत्रित देवगण नहीं सम्मिलित हुए, जिससे राजा को बड़ी चिंता हुई। तब ऋषियों ने यजमान अंग से कहा, राजन, तुम्हारे हवन किए हवि को देवगण नहीं ग्रहण करना चाहते। ऐसे हम लोगों ने तो इस जन्म में आपसे किया हुआ कोई अपराध नहीं जाना है, परंतु कर्म साक्षी देवता जानते होंगे, जिस कारण वे अपना भाग नहीं ग्रहण कर रहे हैं। मैत्रेय जी ने कहा, ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुनकर यजमान राजा अंग को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सदस्यों की आज्ञा ली, उनसे उनका कारण पूछा और कहा, आप सभी सभापति हैं, अतः मुझे बतलाइए कि यहाँ आवागमन करने पर भी देवता क्यों नहीं आते और अपने भाग को क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? अतः मेरा पाप बतलाइए। सभापतियों ने कहा, यह केवल पूर्व जन्म का एक पाप है। बोलिए, महाराज, पूर्व जन्म का भी पाप लगता है? बोलिए, हाँ। कैसे? बोले, कैसे? बोले, महाराज, भीष्म पिताजी को 101 वर्ष का पाप लगा था। बोले, मरण संज्ञा पर जो उन्होंने तीर पर लेटे थे, बोले, महाराज, आज हम अपनी दृष्टि से देखते हैं कि हमने 100 जन्म तक कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसको हमको इतना बड़ा दंड मिला। बोले, भगवान बोले कि अपने दृष्टि से 101वां जन्म देखिए। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा 101वां जन्म, तो उन्होंने एक सर्प को मार करके कांटे पर टांग दिया था, तो उसी का प्रायश्चित उन्हें 101 वर्ष में भोगना पड़े। तो बोले, महाराज, ये आपके पुनर्जन्म का पाप है जो आपको यहाँ भोगना पड़ रहा है, जिससे आप पुत्र रहित हैं। उसके परिहार्थ जो ही श्री भगवान विष्णु के नाम से पुरोडस की आहुति ही, तो अग्नि से सुवर्ण की माला तथा निर्मल वस्त्र पहने सुवर्ण के पात्र में सिद्ध खीर लेकर एक पुरुष निकला। राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से उस खीर को अपने हाथ में लिया और उस उदार विद्धि ने उसे सूंघकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी स्त्री को दे दिया, जिसे खाकर उसने पति से गर्भ धारण किया और उस समय आने पर पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र ने बाते उल्लास से अपने नाम मृत्यु का स्मरण किया, जो अधर्म का अंश है, अथवा धार्मिक हुआ। राजा अंक ने अपने दुष्ट पुत्र को देखकर उस पर नाना प्रकार का शासन किया, फिर भी कोई बदलाव न देखकर गृहस्थाश्रम से विरक्त होकर मध्य रात्रि में ही वन को चल दिए। प्रजा, पुरोहित, मंत्री तथा मित्रगण अपने राजा को पृथ्वी पर खोजने लगे, किंतु उनके मार्ग को न प्राप्त कर सके, उत्साहित होकर नगर को लौट गए। मैत्री जी ने कहा, राजा अंग के न रहने पर बेन को पृथ्वी का राजा बनाया गया। तब अत्यंत कठिन शासन करने वाले बेन को राजा हुआ सुनकर सारे चोर वैसे ही छिप गए जैसे सांप के भय से मृषक छुप जाते हैं। बेन राज सिंहासन को पाकर 8 लोकपालों के ऐश्वर्य से उच्छल हो अपने मुख अपनी प्रशंसा करता हुआ पूज्यों का अनादर करने लगा और अंकुश से रहित मतवाले हाथी की तरह अभिमानी होकर रथ में बैठकर पृथ्वी तथा आकाश को कंपित करता हुआ घूमने लगा और कहने लगा, हे ब्राह्मणों, आप लोग न कहीं यज्ञ करें, न दान दें, न हवन करें। इस पर मुनि लोग अपने क्रोध को छिपाकर बेन के पास जाकर शांतिपूर्वक वचनों से समझाकर उससे कहने लगे, हे राजन, हम लोग तुम्हारी आयु, लक्ष्मी, बल तथा कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन वचनों को कहते हैं उन्हें तुम सुनो। राज्य के राष्ट्र तथा नगर में वर्ण और आश्रम के धर्मों से युक्त मनुष्य अपने अपने धर्म से युक्त यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का भजन करते हैं। हे महाभाग, अपने धर्मयुक्त शासन में स्थित रहें और ऊपर प्राणियों के उत्पन्न करने वाले विश्वास भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अतः आपको यज्ञादि अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तब राजा बेन के कहा कि जो मनुष्य राजा रूपी ईश्वर का अनादर करते हैं वे इस लोक में तथा स्वर्ग लोक में कल्याण प्राप्त नहीं करते। जैसे पति के प्रेम से रहित उल्टा स्त्रियों की अन्य पति में भक्ति होती है, वैसे ही आप लोगों को जिसमें भक्ति है वह यज्ञ पुरुष नाम वाला कौन है? विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण, ये तथा वरदान और शाप देने से समर्थ और भी जो देवता है वे सभी राजा के शरीर में रहते हैं, इसलिए राजा संपूर्ण देवता में रहता है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग ईर्ष्या छोड़कर अपने अपने धर्मों से हमारा भजन करें। मैत्री जी ने कहा, अपने को पंडित मानने वाले बेन से अपमानित हुए उन ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठ प्रार्थना के भग्न को जाने पर उसके ऊपर क्रोध करते हुए कहा, स्वभाव से ही कठोर इस पापी को मार डालो। जिन भगवान की कृपा से ऐसे राजस्वरूप ऐश्वर्य को इसने प्राप्त किया है उन भगवान की इस पापी बेन को छोड़ो और दूसरा कोई निंदा करेगा। इस प्रकार उसे मारने का निश्चय कर ऋषिगण अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करते हुए
पहले ही भगवान की निंदा करने से मृत प्राय इस बेन को अपने ही अहंकारों से मार डाला। राजा के न रहने से संपूर्ण पृथ्वी पर अराजकता फैल गई। चोर प्रजा का धन लूटने लगे और उनकी हत्या करने लगे। यह देखकर ऋषियों ने विचार किया कि राजर्षि अंग का यह वंश नष्ट होने योग्य नहीं है, क्योंकि इस वंश में भगवान का आश्रय लेने वाला अत्यंत पराक्रमी राजा होगा। ऐसा सोचकर ऋषियों ने राजा बेन की जंघा का बड़े वेग के साथ मंथन किया और तब उस जंघा से एक छोटा मनुष्य प्रकट हुआ। वह काग के समान काले रंग का था। उसके हाथ पांव आदि और सब अंग छोटे छोटे थे, थोड़ी लंबित था। नासिका का अग्रभाग नीचे की ओर दबा हुआ था। उसके नेत्र रक्त के सदृश लाल थे। वह सर झुकाकर करुण ऋषियों ने कहा, निशीथ बैठ जाओ, इससे हे तात वह निषाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैत्री जी बोले, हे विदुर, ब्राह्मण ऋषियों ने फिर राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे एक पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। पुत्र में विष्णु का और कन्या में लक्ष्मी का अंश था। पुत्र का नाम पृथु और कन्या का नाम अर्ची पड़ा। इसी देवी ने, जो पूर्व में विष्णु की वियोगिनी थी, पृथु को पति भाव ने स्वीकार किया। पृथु के प्रकट होते ही ऋषियों एवं ब्राह्मणों ने बड़ी खुशियां मनाई। स्वयं ब्रह्मा जी आए, क्योंकि पृथु शंख चक्रादि चिन्हों से युक्त विष्णु जी का अंश था। ब्रह्मा जी ने पृथु को समुद्रात पृथ्वी का राजा बनाया। समस्त पृथ्वी ने से एक एक बढ़कर उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेद में कवच, सरस्वती ने उत्तम हार, विष्णु जी से सुदर्शन चक्र और लक्ष्मी ने अचल संपत्ति दी। इंद्र के किरीट, यम ने दंड और धर्मशस्वी माला, वायु ने दो उत्तम व्यंजन, वरुण के नेत्र, कुबेर ने सिंहासन, रुद्र ने तलवार, पार्वती ने ढाल, चंद्रमा ने घोड़ा, ब्रह्मा जी ने सुंदर रथ से किरणों का बाण पृथ्वी से खड़ाऊं, और स्वर्ग ने नवीन माला और समुद्र ने उत्तम शंख, पार्वतियों ने समस्त गमन के लिए मार्ग दिया। बड़ी धूमधाम से पृथु का राज्याभिषेक हुआ। राजा पृथु ने कहा कि संसार में प्रशंसा के योग्य केवल एक भगवान विष्णु ही है, अतः आप लोग मुझे बालक का उपहास न करें। मैत्री जी कहते हैं, इस पर ऋषियों ने कहा, हे राजन, आप देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं। आप साक्षात विष्णु जी का अवतार के लिए लोगों का पूर्ण विश्वास है कि आप गौ और ब्राह्मण के रक्षक के